यस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एंगर इज गुड। गुस्सा जो है बुरा नहीं होता, अच्छा होता है अगर आप थोड़ा सा अलग सोचे, थिंक डिफरेंटली। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें और गुस्से को हम एक पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाएं, कैसे हम उसको एनर्जी बूस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हाउ टू कंट्रोल एंगर की, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले बात करते हैं, गुस्सा दो तरह से होता है, एक दूसरों पर आता है, खुद पे आता है, स्वयं पे आता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोनों पे। अगर दूसरों पे आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को आप बदल नहीं सकते हैं, आपको उन्हें उसी रूप में स्वीकारना होगा। या तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, या अगर आपकी मजबूरी उनके साथ में रहना तो मन को समझाइए या एडजस्ट करें। उसमें गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर गुस्सा करेंगे तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, आप उनको बदल भी नहीं सकते हैं और आपको उन्हें उसी रूप में स्वीकारना भी होगा। अब आपके ऊपर देखिए आप उसे किस रूप में लें, ठीक है। अगर आप स्वयं पर गुस्सा करते हैं तब आप क्या करें, आप उसको एक एनर्जी बूस्टर की तरह ले सकते हैं। कैसे, अब आइए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप किसी भी विषय पर वीडियो चाहते हैं कि हमें इस विषय पर वीडियो मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो विषय पर वीडियो देने की। चलिए बात करते हैं कैसे हम अपने गुस्से को एनर्जी बूस्टर के रूप में ले सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार दो भाई थे, डेनियल और सैम, दोनों हमेशा खेलते रहते। तो उनकी माँ हमेशा गुस्सा होती थी कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। एक दिन उनकी माँ ने गुस्से में कहा कि तुम कभी पास नहीं होगे, मैं तुम्हें पेपर पर लिख के दे देती हूँ। और उसने गुस्से में आके एक कागज पर लिख कर दे भी दिया। दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सैम ने अपनी माँ के ऊपर कुछ गुस्सा किया, बुरा भला किया और कहकर चला गया, जबकि डेनियल ने उसको पॉजिटिव वे में लिया, उस पेपर को अपने पास में रख लिया। वो खूब पढ़ाई के साथ में खूब पढ़ाई करने लगा और खूब मेहनत करने लगा, उसकी माँ की बात लग गई। उसका जब भी खेलने का मन करता है, उसको नींद आती, तो वो उस माँ के दिए गए उस कागज को पढ़ लेगा जिसमें उसमें लिखा था कि तुम कभी पास नहीं होगे। उसने उसके लिए एनर्जी बूस्टर का काम किया, ठीक है। उसकी भूख प्यास सब उड़ गई, उसको लगन से पूरी मेहनत से काम करने लगा। फिर क्या हुआ, परीक्षा का परिणाम आया और डेनियल प्रथम श्रेणी में पास हुआ, उसके इनके बहुत ही कम नंबर आए। तो देखा उसने, उस कागज ने डेनियल के लिए एनर्जी बूस्टर का काम किया। अब गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, हमारा गुस्सा भी क्या है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी अपने ऑफिस में किसी बात को लेकर सुपीरियर के ऊपर गुस्सा कर दिया। वहां उसकी बात नहीं बनी, वो चुपचाप सह के वहां से चला आया। फिर दोस्त से भी किसी बात को लेकर विवाद हो गया, वहां से कुछ नहीं कह पाया, वहां भी वापस चला आया। फिर पड़ोसी से भी किसी बात के ऊपर विवाद हो गया, वहां भी कोई बात नहीं उसकी बनी, वहां से भी चुपचाप सुन के बैठ गया। घर पे आगे पत्नी से भी कहा तो वहां भी कुछ नहीं कह पाया। फिर लास्ट में आके उसकी बूढ़ी माँ से बात करने लगा। सारा गुस्सा जो था, उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरा चश्मा ले आ, बहुत दिन से नहीं, तो मैं खुद ही ले आती हूँ। अब फिर क्या था, उस सारा गुस्सा, उसके बॉस का गुस्सा, उसके पड़ोसी का गुस्सा, उसके दोस्त का गुस्सा, सारा गुस्सा उसने अपनी माँ के ऊपर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पता था उसे किसके ऊपर गुस्सा करना है। उसके दिमाग में ये बात थी कि मुझे किसके ऊपर गुस्सा करना है। इसका मतलब दिमाग से रिलेशन है गुस्से का। आदमी कहता है ना कि दिमाग अपना जोश खो देता है, उसके आदमी को पता रहता है कहाँ गुस्सा कर रहा है। अगर कोई बच्चा गलती करता हो तो हम उसे नहीं डांटते, किसी बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो हम उसे कुछ कहते नहीं है, बल्कि उसे समझा देते हैं और उसको बता देते हैं। या कई बार खुश भी हो जाते हैं बच्चे ने शरारत किया, लेकिन कोई बड़ा गुस्सा करता है, बड़ा कोई चीज गिरा देता है तो हम उससे गुस्सा करते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग को पता रहता है कि हमें कब गुस्सा करना है और कब गुस्सा नहीं करना, और हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है। जब हम बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करते, इसका मतलब हमारा दिमाग हमें एक हिंट देता है, कहता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, लेकिन हमारी ईगो के चलते हम उसे इग्नोर करते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो जैसे ही कभी आपके दिमाग में कभी गुस्सा करने का आए किसी के ऊपर, तो दिमाग की आवाज़ को सुनिए और उस पल को अवॉइड कीजिए, गुस्से को अवॉइड कीजिए और उसी बात को प्यार से कहिए। टीचर को कई बार गुस्सा आता है क्लास में,
तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके देख सकते हैं वहां से। और आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा टीचर को, बच्चों के ऊपर, बच्चे कभी शरारत भी नहीं करेंगे। अच्छा, कभी लॉस हुआ है मान लो आपको, है तो आप गुस्सा करते हो खुद के ऊपर कि मुझे इतना लॉस हुआ है, तो आप क्या करें, कभी आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा उसको इमेजिन कीजिए, आप उसकी कल्पना कीजिए। या अगर कभी नहीं हुआ, आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में लॉस होगा, तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, आज लॉस हुआ है तो कभी लाभ भी होगा, उसकी कल्पना कीजिए जब आपको लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव एटमोसफेयर बना के रखिए अपने आसपास में, खुश रहने के तरीके। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखिए तो आपको पॉजिटिव एटमोसफेयर मिलेगा। आप एक क्रिकेट खिलाड़ी की बात करते हैं, जिसको लोग मिस्टर कूल कहते हैं, उन्होंने अपने हमेशा कितने भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कितना भी हाई पावर गेम होता है, लेकिन वो उस पर कभी गुस्सा नहीं करते, और यही उनकी सफलता का रहस्य भी है। आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करें सदा के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहला इसमें गहरी सांस ले, अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, एक बार आप गहरी सांस ले लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। या आप पानी पी सकते हैं, अगर पास में कहीं पानी रखता है तो आप बाहर निकल के पानी पी सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में या ऑफिस में एक पोस्टर लगाएं कि नो एंगर जोन, क्रोध मुक्त क्षेत्र, एंगर फ्री जोन। इस टाइप से आप एक पोस्टर लगा के रख सकते हैं, जब भी आप उसको देखेंगे डेली तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी और आपके सामने रहेगी वो चीज। गुस्सा आए तो या तो उस जगह से आप चले जाइए। एक और है कि आप माफ करने की आदत डालिए, अगर किसी ने गलती की है तो आप उसे माफ करने की आदत डालेंगे तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। आप उसके सोचिए चलिए कोई बात नहीं है, आपने माफ कर दिया, चलो अगली बार आप गलती नहीं करना, इस बार मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ये कहने की बात डालिए। ज्यादा देर तक काम करते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें बीच में और उससे भी गुस्सा हो जाता है। तो जब भी आप ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं तो ब्रेक ले लें बीच में, और भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के बजाय साफ साफ अपनी समस्या बोले। मान लो किसी ने आपको कोई हर्ट किया है, ठीक है, आपको कुछ बुरा लगा है, तो आप उसको अपनी समस्या को बताइए कि आपने मुझे यहाँ पे हर्ट किया है, किसी ने कोई गलती किया उसे वो गलती बताइए। और अगर आपका डेली गुस्सा आ रहा है किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी से लड़ाई हो रही है या किसी से विवाद हो रहा है बार बार, तो आप उस समस्या को हल निकालिए। और यहाँ वहाँ की फालतू बात मत कीजिए, जिस बात के ऊपर गुस्सा आता है उस बात को, समस्या को हल कीजिए और अपने रिलेशन को बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जैसे अगर आपको फायदा होता है सभी को फायदा हो, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।